वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है ट्यूनिंग सिस ड्राइंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक नेचुरल ड्राइंग से रिलेटेड एक ड्राइंग बना के सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो में जो मैंने यूज़ किया है, उस ड्राइंग को बनाने में मैंने जिन ब्रशेस का यूज़ किया है, जिन कलर्स का यूज़ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने आज तक जितने भी कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने डोम्स के ही यूज़ किए हैं, ठीक है। वेल, आई हैव लॉस्ट द पैकेट ऑफ द डोम्स। मैंने जो डोम्स का वाटर ट्यूब कलर का पैकेट था वो खो गया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती कि डोम्स वाटर ट्यूब कलर थोड़ा सा कैसा दिखता है। वेल, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। सो ये थे सारे चीज़ें कि मैं कलर कौन सा यूज़ करती हूँ और ब्रश कौन सा यूज़ करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको आसमान कलर करना है, तो आसमान कलर करने के लिए हम पहले पानी लगा लेंगे आसमान में पूरा, फिर उसके बाद हम उसमें पर्पल कलर हल्का सा डालेंगे बिल्कुल, ठीक है, और उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे पानी में। फिर उसके बाद स्काई ब्लू कलर लेकर के उसमें भी मिक्स कर देना है स्काई ब्लू कलर को, और आप देख सकते हो हमारे आसमान कितना अच्छा से बन गया है। और बस यहाँ पे मिक्स करने की टेक्निक है, ओके। फिर उसके बाद मेडो भी वैसे ही करना है, पानी लगा के उसके ऊपर येलो कलर फिर ग्रीन कलर मिक्स कर देना है, और आप देख लेना काफ़ी खूबसूरत आपका मेडो बनेगा, ओके। फिर बारी है पोल कलर करने की, तो पोल कलर करने के लिए हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि आप जो भी पोल प्रीफर करना चाहते हो वो पोल उस तरीके से कर सकते हो। और फिर आ गई पेड़, तो पेड़ के लिए हम सबसे पहले उसके लीव्स तैयार करेंगे। लीव्स इसलिए हम पहले तैयार कर रहे हैं और क्योंकि अगर पहले ही हम पेड़ की डंडियाँ बना देंगे तो लीव्स तैयार करते वक्त में पेड़ की डंडियाँ छुपने के चांसेस काफ़ी हैं और उसके कलर भी स्प्रेड हो सकते हैं पेड़ की डंडियों के। इसलिए हम सबसे पहले लीव्स बना लेंगे पेड़ के, और फिर उसके बाद उसके ब्रांचेस निकालेंगे, डंडियाँ निकालेंगे, ठीक है। और मैंने लिप्स बनाने के लिए ग्रीन कलर ही यूज़ किया है, डार्क ग्रीन कलर, और आप चाहो तो हल्का सा उसमें लाइट ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, ओके। बिकॉज इस तरह करने से हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना काफ़ी अच्छे से बनता है। तो ये सब टेक्निक से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है हर टेक्निक पे, बिकॉज आप कोई भी स्टेप्स मिस करते हो ना तो आपकी जो ड्राइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर उथल पुथल हो सकती है और अच्छा नहीं बनेगा। सो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें पहले कौन सी चीज़ें बाद में करनी है। तो वेल, मैं तो आपको यही टिप्स बताऊँगी। पहला कि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आओ, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हो ना तो आपके हाथ में कलर लग के इधर उधर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज हमारा हाथ तो नीचे की ओर ही आएगा ना। सो ये सब थिंग्स है। तो वेल, हम मेडो की आउटलाइनिंग के लिए हम डार्क ग्रीन कलर यूज करेंगे। सो डार्क ग्रीन कलर बेसिकली आप डार्क ग्रीन कलर में ही थोड़ा सा ब्लैक मिला लोगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और सुंदर दिखता है वो वाला डार्क ग्रीन कलर। मीन्स मिक्सचर आपको बनाना है ग्रीन कलर और हल्का सा ब्लैक, ठीक है। तो इससे आपका जो ग्रीन कलर बनेगा ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वो आउटलाइनिंग पे काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे मिडो में हल्का सा येलो कलर का टचअप दे दिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा झाड़ियाँ बना दी हैं पेंट ब्रश में ही लगा करके ग्रीन को। फिर उसके बाद और अच्छा सा दिखा रही हूँ मैं इसमें आपको, आप देख सकते हो हल्का सा येलो कलर लगा दिया है। वेल, ये मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से, मेरी ड्राइंग में अगर क्या अच्छा सा लुक नहीं आ रहा होता है, मैंने अच्छे से स्प्रेड नहीं किया है, तो उस पर हल्का सा मीडो की बात कर रही हूँ मैं, मीडो पे हल्का सा येलो कलर लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा ना तो आपका मीडो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपका जो मीडो है वो अच्छा लुक नहीं आया है, स्टार्टिंग में अच्छा सा मिक्स नहीं हुआ है, तो आप लास्ट में उस पर हल्का सा येलो कलर ले करके उसे पूरा मिक्स कर दूँगा ना तो आपका मीडो बहुत प्लेन और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगेगा, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हो मैंने पत्थर को ब्राउन कलर से किया है और उस पर व्हाइट कलर लगा दिया है। तो व्हाइट कलर लगाने का मतलब ये कि आपका जो पत्थर है ना वो इनहांस हो गया, उस पर लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये सब थिंग्स है जो छोटी छोटी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट मीडो की बारी है, तो मतलब नेक्स्ट मैदान पे, तो वहाँ पे मैंने ब्राउन कलर ऊपर लगाया था इसलिए मैंने ब्राउन कलर से आउटलाइनिंग दे दी, फिर उसके नीचे लाइट ग्रीन कलर, फिर उसके नीचे हमारे येलो कलर। तो इन तीनों कलर को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देना है और उस पर हमने थोड़ा सा स्ट्रोक्स दे देने हैं ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से हमारा क्या नाम मेडो भी बनके काफ़ी खूबसूरती से तैयार हो गया है। और आई एम डैम श्योर आपको लास्ट तक ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं हर एक टिप्स इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो बिगनर बच्चों के लिए नेचुरल ड्राइंग बनाना है वो कैसे बनता है। बिकॉज जो भी बच्चे हैं 9th क्लास के 10th क्लास के वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना ड्राइंग सीखना, बिकॉज ड्राइंग भी तो बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना बोर्ड में, इसलिए आपको ये सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेल, आप यहाँ पे अभी मेरा रिवर देख सकते हो, तो रिवर में भी मैंने क्या किया, सबसे पहले वाटर लगा दिया, फिर उसके ऊपर मैंने स्काई ब्लू कलर लेकर के काफ़ी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उसको पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया और उसे अच्छे से मिक्स करना है आपको, ठीक है। चौड़ा वाला ब्रश लेके अच्छे से मिक्स कर देना है, तो आप देखना आपका भी रिवर काफ़ी खूबसूरत बनेगा। और यहाँ पे पुल की बात करें तो पुल में भी मैंने हल्का सा वाटर लगा करके पूरा अच्छे से स्प्रेड करना है वाटर को, फिर उस पर हल्का सा ब्राउन कलर डालना है, फिर उसका जो फ्यूज़न होता है ना वाटर का ब्राउन कलर के साथ, इट्स अमेजिंग।
और फिर उसे आउटलाइनिंग दे देनी है डार्क ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन फिर उसमें हल्के हल्के ईटी बना देने हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी खूबसूरती से बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हो आप, मैंने ग्रासेस बना दिए हल्के हल्के और फिर थोड़े से पॉइंट्स दे दिए हैं। तो यहाँ देखो कितना खूबसूरत से आपको नेचुरल ड्राइंग बनाया बिगनर बच्चों के लिए।